चना मसाला जा रहे हैं बीच पर। गुड मॉर्निंग गाइस, हम अभी उठ गए हैं और अभी हमारा ब्रेकफास्ट होगा, तो हम अभी फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रात को दिखाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यह बुफे सिस्टम है, इंडियन होता ही होता, अभी पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट मेनू है। फ्रूट्स है, कॉर्नफ्लेक्स, ये है फ्राइड एग्स, ये है एग फ्राइड राइस, और ये है सलाद का सेक्शन। यहाँ पे सीजर सलाद का सॉसेस एंड थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग है, और ये रखे हैं जैम, बटर। यहाँ पे हम ब्रेड को रोस्ट कर सकते हैं। ये है ब्रेड और ये मिनी क्रोशन्स रखे हुए हैं। ये हमने ब्रेकफास्ट ले लिया है, हम एक एक टेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा टेस्ट करना है नूडल्स। नॉर्मल जो हम खाते हैं थोड़ी अलग है, और मैंने भी मेरी प्लेट ले ली थी, अभी हम ट्राई करने वाले हैं ये मैक्रोनी। ये इनका एकदम सिंपल मैक्रोनी सलाद रहता है। एकदम ब्लंच फ्लेवर है, इसको लाइटली ऑयल से और सॉल्ट से मैरिनेट किया। तो भाई ज़्यादातर वेजिटेरियन में ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं, हर चीज़ में अंडा पन के होता ही है, तो हम वेजिटेरियन में प्रॉब्लम तो आती है, तो मैंने ब्रेड बटर लिए है और ये साथ में कुछ मफिन टाइप लिए हैं, तो वेजिटेरियन के लिए ज़्यादातर यही ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट भी है, और ये हैं छोले। फाइनली हमें इंडियन फूड मिल गया है। और ये है ब्रेड पकौड़े, और ये हैं पूड़ी है कि भटूरे पता नहीं चल पा रहा, बड़े बड़े बहुत हैं। हाँ ये कॉफ़ी, ये कहते ब्लैक कॉफ़ी ही है। और यहाँ पे है सिटिंग एरिया, ये इंडियन फूड के लिए यहाँ पे है, और जो विदाउट इंडियन है वो बाहर की तरफ था। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, हम रेडी हो गए हैं कोरल आइलैंड जाने के लिए, और बस हमें पिक करेगी होटल से जो हमें लेकर जाएगी कोरल आइलैंड नहीं, पटाया बीच। पटाया बीच से स्पीड बोट से हम आगे जाएंगे कोरल आइलैंड नहीं, एक्टिविटीज एरिया। फिर स्पीड बोट से और आगे जाएंगे कोरल आइलैंड नहीं, अंडर वाटर सी वॉक के लिए। फिर हम बोट से और आगे जाएंगे कहाँ पर, कोरल आइलैंड। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, हम पहुंच गए हैं पटाया बीच, जो हमारे होटल से 15 मिनट दूर ही था। हम आपको भी यही रिकमेंड करेंगे, आप भी ऐसे ही होटल ले जो फेमस प्लेसेस के पास हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो ट्रैवलिंग में और आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम पाएँ। आप यहाँ पर आकर भी कोरल आइलैंड के लिए टिकट ले सकते हैं, पर हमारा पैकेज में इंक्लूडेड था, तो हमें यहाँ कुछ पे नहीं करना है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारी स्पीड बोट का, जो हमें पहले लेकर जाएगी पैराग्लाइडिंग के लिए। गाइस आपको एक्टिविटी करनी है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और हमारे पैकेज में भी एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारी स्पीड बोट आ गई है, इसमें जाएंगे हम कोरल आइलैंड। अभी क्या क्या सब जाएंगे इस बोट में, हाँ वन बाय वन चलना है।
यहाँ पे लाइफ जैकेट मिल रही है, वो पहन के जानी है। पैरा सेलिंग के लिए आए हैं यहाँ पे हम। यहाँ पर आपको चार एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जैसे कि पैरा सेलिंग, अंडर वाटर सी वॉक, जेट स्की और बनाना बोट राइड। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने आए हैं, यहाँ पे चार एक्टिविटीज़ मिल रही है 2500 बात। ये यहाँ का स्पेशल ऑफर है आज के लिए। पैरा सेलिंग में आपसे पूछते हैं आपको डिप लगानी है कि नहीं, और हम दोनों तो डिप लगाने वाले हैं क्योंकि बिना डिप के क्या मजा। अभी जा रहे हैं मनीष पैरा सेलिंग के लिए। बढ़िया बहुत बढ़िया था, मजे आ गए, बहुत अच्छे डिप कराई एकदम। कैसा लगा? मजा आ गया। हमारी तो सी वॉक पे ना आपको कुछ सामान ले आए देंगे, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, बट ये आपको बाद में वीडियो दे देते हैं। अभी हम जेट स्की और बनाना राइड करने जा रहे हैं, हमें टिकट की जगह ये बैंड बना दिए हैं, और पर यहाँ पर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, पर आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। यहाँ पे जेट स्की कर रहे हैं, तो इस साइड होती हैं एक्टिविटीज़, और यहाँ पे है पब्लिक के लिए इन्जॉय करने के लिए बना रखा है उन्होंने। यहाँ पर स्विमिंग विमिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटीज़ है। Oh, my God.
वाइज हमें तो यहाँ बहुत मज़े आए। आप भी अगर आ रहे हैं तो राइट एक्टिविटीज जरूर लेना है ना, बिना एक्टिविटीज तो मज़ा नहीं आने का बिल्कुल भी। और अब हम जा रहे हैं बीच पर। ठंडा है, क्लीन पानी एकदम क्लीन ना। हाँ Hours later. Hello guys, अभी हमारी बीच एक्टिविटीज खत्म हो चुकी है। ज़्यादा भूख लगी है हमें, क्योंकि एक्टिविटीज करने के बाद सबको भूख लगती है। तो अभी हमारा लंच में क्या होगा हमारे को आगे बताएं। पहुंच गए हैं लंच के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है स्पाइसेस, यहाँ पे हमारा इंडियन लंच है। चलो देखते हैं क्या क्या लंच में। और ये लंच भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। रायता, आलू मटर, चना मसाला, राइस, ये दाल तड़का, रोटी, सूप, खीर, चिकन लाहौरी। ये था हमारे कोरल आइलैंड का पूरा टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। A few moments later. तो गाइज ये है हमारा रूम। रात को इतने अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो हमने सोचा आपको दिन में भी एक बार दिखाते हैं कैसा लगता है। साइड में दिए हुए हैं लैंप। ये है सिटिंग एरिया, यहाँ से है बालकनी। और ये है होटल से बाहर का व्यू। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। ये देखो हाथी। शावर बिफोर यू एंटर, हमने शावर ले लिया था। ये है स्विमिंग पूल। वाओ। तो गाइस 1.20 मीटर की इसकी वो है हाइट, और ये जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे ना तो ये 150 तक हो जाएगा। अभी हम जाने वाले थे पूल में, क्योंकि बहुत ही ऐसे लग रहा है बस जंप करें हम उसमें। चलो धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे पहुंच रहा है ना पैर। हाँ,
वहाँ एकदम किनारे पे जाओ एकदम। बहुत मस्त लग रहा है। सही में? बहुत सही है। अरे तो हम भी चली लेते हैं। हाँ बैठ लेते हैं। यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं। वाओ। आओ फोटो खींचो हमारी। ठंडा ठंडा पानी है। अब आ रहा मजा तो। यो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओयो 3 hours later। हेलो गाइस, आज आपको पता है कि हम एक्टिविटीज करने गए थे और बहुत थक गए थे। उसके बाद दोपहर में हमने थोड़ी रेस्ट कर ली थी एंड फिर अभी 7 हैं 7 PM इन पटाया। शाम हो रही है, सो वी आर जस्ट गोइंग अराउंड और अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven, जो बहुत सुना है इन बैंकॉक कि बहुत ही अच्छे आइटम्स मिलते हैं वहाँ पे, लाइक यू नो फूड आइटम्स। सो वी आर जस्ट गोइंग ओवर देयर। तो गाइस 7-Eleven से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वहाँ तक जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं 7-Eleven, तो अभी हम एंटर होने वाले हैं एंड आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए गाइस, मैं ऑलरेडी एंटर हो चुकी हूँ 7-Eleven में और ऐसे कुछ भी आइटम्स मिल रहे हैं। ये लॉरियल, ये गार्नियर का स्किन नेचुरल्स मिल रहा है, मेबीलाइन का स्किन केयर, ये फ्रेश ब्राइट लुक के लिए, ये ऐसे छोटे क्यूट सैशेज में मिल रहे हैं 49 baht, ओनली फॉर 49 baht। और ये मेन सेक्शन है पूरा, ये लेस है, ये डब्बे में आता है, हमारे यहाँ पैकेट में मिलता है, ये डब्बे में है। ग्रीन टी किटकैट। और गाइज अब हम आए हैं ये सबसे फेवरेट सेक्शन में, जहाँ पे केक्स पेस्ट्रीज मिल रहे हैं 49 baht का। और गाइज ये है सब सैंडविच सेक्शंस, मतलब यहाँ पे पैक्ड सैंडविचेस हैं, आपको बस गरम करके एंड यू कैन ईट। यहाँ पे रेड बुल भी मिलता है बट ऐसी बोतलों में, ये है 12 baht का, 146, इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया 20 baht का। गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप कुछ भी सैंडविचेस ले सकते हैं घर जाके हीट, बट यहाँ पे मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी गर्म करके देते हैं हमें। सो अब हम मैंने यहाँ का चीज़ सैंडविच लिया है, वी आर गोइंग टू ट्राई इट एंड लेट यू नो अबाउट द रिव्यू। मेरा उनका चीज़ सैंडविच काफ़ी गर्म दिया था। हाँ बहुत गर्म है, तो ट्राई करती हूँ। कैसा है टेस्ट? सही में सही है, बढ़िया। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चीज़ कैसा है? बहुत मेल्टिंग चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही डे 3 की वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।